मोकामा से जो है आपका स्लीपर में दो आदमी है और टू एस में एक आदमी है, और बख्तियारपुर से जो है आपका बख्तियारपुर से केवल स्लीपर में दो आदमी है। क्या आपको इसकी सूचना है, ट्रेन डिटेलमेंट की सूचना मिली? हम मिलने के बाद ही हम दानापुर कमर्शियल कंट्रोल को थोड़ा मिली हमको। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। और इस वक्त हमारे साथ स्थानीय सांसद राजू बिस्ता जी मौजूद हैं। राजू जी, आपको क्या जानकारी मिल रही है इस हादसे के बारे में? जी नमस्कार। बीकानेर वाटी एक्सप्रेस जो पटना से वाटी की तरफ जा रही थी और पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले के पास में ये डोमोहिनी करके एक स्टेशन आता है उसके पास में ये हादसा हुआ है। और अभी बहुत अर्ली है और मेरी जो अलीपुर द्वार के डीआरएम है उनसे और कटिहार के डीआरएम, दोनों डीआरएम से बात हुई है और बाकी सब लोग वहां पे पहुंच गए। अभी रेस्क्यू जो है शुरू हो चुका है। अंधेरा है, थोड़ी कठिनाई जरूर है, लेकिन स्थानीय लोग और सभी कार्यकर्ता वहां पे इस समय लगे हुए हैं। और जानकारी के हिसाब से जो है ये डीरेलमेंट है और ज्यादातर नॉन एसी कोच जो है डीरेल हुए हैं और एम्बुलेंस और बाकी सब चिकित्सा की सुविधा वहां पे पहुंच गई है और सब लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम रेस्क्यू को कर लें। और अभी आंकड़े के बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा, लेकिन स्थानीय प्रशासन के हिसाब से अभी तक उन्होंने कहा है शायद 3 लोगों की जान गई है और 20 लोग अभी इंजर्ड हुए हैं और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन इस समय अभी इससे ज्यादा कुछ भी कहना संभव नहीं। बिल्कुल, राजू बिस्ता बीजेपी के सांसद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्योंकि त्योहार का मौका है, बिहू है कल, तो ऐसे में क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि ट्रेन में काफी लोग सवार रहे होंगे जो इस हादसे की चपेट में आए होंगे? राजू बिस्ता जी, देखिए ये जांच का विषय है, लेकिन जितना मेरे को सूचना है ट्रेन की 40 से 45 के बीच में थी, तो बहुत ज्यादा स्पीड में तो ट्रेन नहीं थी, लेकिन फिर भी जांच के बाद पता चलेगा कि इसका मूल कारण क्या रहा होगा। सर, तादाद कुछ पता चल पा रही है कितनी संख्या यात्रियों की रही होगी सर जो इस ट्रेन से सफर कर रहे थे? त्योहार का मौका है, बिहू भी है। देखिए वो सब है और जैसा मैं बता रहा हूँ कि अभी इतनी जानकारी मेरे पास है और सब लोग अभी वहाँ पे रेस्क्यू में लगे हुए हैं क्योंकि लंबे समय तक फोन पे बात करना संभव नहीं है जी। और हमारी अभी सबकी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हम जल्द से जल्द जो लोग वहाँ फंसे हैं उनको बाहर निकालें। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं सर। फिलहाल चैलेंज, चुनौती क्या लग रहा है इस रेस्क्यू में, क्योंकि अब रात बढ़ती जाएगी सर, अंधेरा बढ़ता जाएगा और ठंड का मौसम है तो कोहरा भी बढ़ेगा साथ ही साथ? देखिए क्योंकि जलपाईगुड़ी और ये सिलीगुड़ी का क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में अंधेरा भी जल्दी हो जाता है और दूसरी बात वहां से जो है जलपाईगुड़ी करीब 30 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, तो अभी सबसे पहले तो उनको वहां से निकालना है फंसे हुए लोगों को और उनको अस्पताल तक पहुंचाना है। और पश्चिम बंगाल की जो हर एक जिले के अंदर में जो अस्पताल की व्यवस्था है जी, वो भी उतनी उचित नहीं है, वो भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। रात का मौसम है, जल्दी रेस्क्यू करना और ऊपर से जो है अस्पताल में पहुंचा के उनको अच्छे से अच्छे इलाज कराना, ये प्राथमिकता रहेगी और यही चुनौती भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राजू बिस्ता जी बता रहे हैं कि किस तरीके से चुनौती बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ये अंधेरा बढ़ेगा। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि घायलों में 15 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरी सहयोगी मनोज्ञा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जानकारी के साथ। मनोज्ञा, देखिए पहली बात तो ये कि जितने लोग घायल है उसमें करीब 15 लोगों को अभी अस्पताल लेकर जाया गया है। राज्य सरकार की ओर से और रेलवे प्रशासन दोनों एक साथ लगा हुआ है और इन घायलों के इलाज के लिए उन्हें स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। इस समय पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है और टॉर्च का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि जनरेटर पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन उसके भी अभी तक वहां पर काम करने में और शुरुआत होने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। ऐसे में अंधेरे में काम हो रहा है, गैस कटर्स का इस्तेमाल करना भी इस समय बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है। ठंड का मौसम है और दार्जिलिंग और तराई इलाकों में धुंध, कोहरा, ठंड, ये सारी चुनौतियां तो रहती ही हैं। उसके साथ साथ इन लोगों को यानी कि घायलों को अपने स्थान बिल्कुल लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं कि चुनौती बढ़ती जाएगी क्योंकि अंधेरा बढ़ रहा है, ठंड का मौसम है, कोहरा बढ़ेगा और फिलहाल 15 लोग गंभीर रूप से घायल जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। फौरन लौट रहे हैं, हमारे साथ लंच।
ABP News आपको रखे आगे।